हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरपीएम में। मैं रवि मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेस्पा का एक और मॉडल जो कि एलिगांते टॉप मॉडल है। ये वेस्पा का, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। मैडम बताइए, इस गाड़ी में क्या है? सर, इस गाड़ी में ये हमारा वेस्पा का एलिगांते मॉडल है सर। ये बहुत ही खूबसूरत कलर में इस बार आया है और ये वेस्पा का टॉप मॉडल है सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्पा 3D लोगो में लिखा हुआ है। ये कलर भी नया है, अभी तक किसी भी ये गाड़ी में कलर नहीं मिलेगा। फ्रंट डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोम फिनिशिंग है, अलॉय व्हील आपको मिलेगा 5 स्पोक में, ट्यूबलेस टायर है, 10 इंची का ये टायर है और MRF का टायर है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। यस सर, डिस्क ब्रेक के साथ ही साथ ये ABS मॉडल में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 200mm का डिस्क है, प्लस इसमें ABS लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप, मेंशन है ABS। ये ABS का वायर है। फ्रंट में आपको एयरक्राफ्ट सस्पेंशन मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है, जिससे कंफर्टेबल के लिए महसूस नहीं होता है। जब भी कोई ब्रेकर वगैरह क्रॉस करिएगा तो बिना झटका लगे स्मूथली क्रॉस होगा सर। इसमें जी महसूस नहीं होगा। और इसमें क्या है जो कि औरों से अलग है? बड़ी खासियत इसमें ये है कि इसमें कनेक्टिविटी है सर। अच्छा, कनेक्टिविटी। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं सर। जैसे कि ये एज अ GPS काम करता है। आप स्कूटी कहीं भी पार्क करते हैं 20 मीटर के रेंज में, ये आपके मोबाइल पे हम वेस्पा कनेक्टिविटी एप्स दे देंगे। आप उसके थ्रू इसका लोकेशन देख सकते हैं कि आपने अपनी स्कूटी कहाँ पे पार्क कर रखा है। दूसरा फीचर से कि आप उसके थ्रू एक वहाँ पे बटन दिया रहेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो इसमें से ऑटोमेटिकली हॉर्न बजने लगेगा सर। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कनेक्टिविटी, जिससे आप अपने गाड़ी के लोकेशन चेक कर सकते हैं, इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट में ये क्या है? ये सर मैप पॉकेट दिया है, इसको ऐसे पुश करने पे ये खुल जाता है। अच्छा, इसको पुश करने पे ये खुल सकता है, बहुत ही अच्छा है। इसमें अगर हम पर्स रखते हैं या मोबाइल रखते हैं और आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसको लॉक करने के लिए इजीली यहाँ से ऐसे पुश किए, उसके बाद जब भी आप अपना हैंडल लॉक करेंगे ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसके लिए अलग से ताला वाला लगाने का कोई जरूरत नहीं। मैं आपको इसके मीटर का दिखाता हूँ, फुल्ली डिजिटल मीटर है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मीटर है, किलोमीटर है, घड़ी भी दिया हुआ है, वॉच जो कि बहुत अच्छा है। ABS का इंडिकेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, लो फ्यूल इंडिकेटर है। और ये कलर इसमें जो दिया है मीटर में, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ASHO गाड़ी है तो आपका गाड़ी का हेडलाइट ऑन रहेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छा है, हाइड्रोजन लाइट है, इसकी रोशनी बहुत अच्छी है। और इसके फीचर्स का बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लेग स्पेस भी दूसरे गाड़ी से आपको ज़्यादा मिलेगा। सीट कंफर्टेबल भी बहुत अच्छा है, टू सीटर है इसमें। हाँ, इसमें टू सीटर है, कंफर्टेबल है जी, बहुत अच्छा डिज़ाइन। और सीट का आप कलर देख सकते हो, कितना जी हाँ, अच्छा और प्यारा कलर है। टू सीटर है तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि आप आराम से इस पे बैठ सकते हैं। पीछे जो बैठेंगे उनके लिए भी अच्छा है यहाँ पे। और सीट प्योर लेदर सीट है, ये बहुत अच्छा है। पीछे से मैं आपको साइड से इसका दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपको 3D लोगो में वेस्पा का 150 लिखा हुआ मिल जाएगा, VXL मॉडल। ये इसके पीछे का बैकलाइट है, पीछे से भी बहुत खूबसूरत लगता है जी। इसमें क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा आपको यहाँ साइलेंसर में। पीछे में भी आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा। पीछे का टायर साइज क्या है? 10 इंच का टायर साइज पीछे में है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 इंच का टायर है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा है। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, फ्रंट में एलिगांते लिखा हुआ मिलेगा 3D लोगो में, आप इस जगह देख सकते हैं। इसमें 3 कलर अवेलेबल है, व्हाइट, गोल्डन और ये प्रमजा ब्लू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और फीचर्स है, इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है। जो कार्बोरेटर प्लग होता है
उसको आप यहाँ से निकाल के खुद से साफ़ कर सकते हैं। अगर कभी गंदा हो गया तो आप खुद से भी निकाल के साफ़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके डिकी कैपेसिटी दिखाता हूँ, जो कि दूसरे गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। इसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी गहराई है अदर से स्कूटी के मुकाबले। जी हाँ, इसमें ये बहुत अच्छा स्पेस है। इसमें फुल हेलमेट आराम से आ जाएगा। बैटरी भी यहाँ दिया हुआ है। दूसरे गाड़ी में बैटरी आगे होता है, यहाँ पे बैटरी है, ये बहुत अच्छा है। और आपका टैंक की कैपेसिटी 7 लीटर है, जबकि दूसरे स्कूटी के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे स्कूटी में आपको 4 to 5 देगा। सबसे बड़ी बात है इसमें कि दूसरे स्कूटी की तरह इसमें कोई भी अलग से पार्ट्स इनबिल्ड नहीं हुआ है। इसको जब भी सर्विसिंग आप करवाने जाओगे तो अलग से कोई भी पार्ट्स खुलेगा नहीं, इसको ईजिली यहाँ से सर्विस किया जाता है इसको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सर्विसिंग कराने के लिए कोई पार्ट्स खोलने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे आप स्टील की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप स्टील की क्वालिटी आराम से यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफी अच्छा है और मजबूत है। इसमें एक भी नट बोल्ट है ही नहीं। सेंट्रल चेचिस पे बना हुआ है, सिंगल चेचिस पे बना हुआ है। और इसका इंजन जो है वो सेंट्रलाइज्ड इंजन है सर, बिल्कुल बीच में है। जी हाँ, सेंट्रलाइज इंजन है, 3 वाल्व इंजन है, मैप सेंसर लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, और ये आराम से इसमें सेट हो जाता है जिससे गाड़ी से कभी भी कोई आवाज़ नहीं आएगा आपका। और अभी इन्होंने बताया कि ये जो कलर है गाड़ी का, ये 3 coated paint है। 3 coated paint है, 3 coated paint इसमें यूज किया गया है। अच्छा, ये क्या होता है 3 coated paint? जंग वगैरह नहीं लगेगा। 3 coated paint जो है जंग नहीं लगेगा, और इसमें जो है ये कलर इसका नहीं जाता है, इसको 3 बार पेंट करता है कंपनी, इसको 3 बार पेंट करते हैं। बाकी दूसरे गाड़ी में आपको 2 coated ही होता है, लेकिन इसमें ये 3 coated है। और इसमें आपको जो मैंने बताया था कि क्रोम फिनिशिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिरर में भी आपको स्टील का ये लगा हुआ है। फ्रंट साइड डिज़ाइन में भी आप यहाँ देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग है। फिर आपको आगे यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद इसका जो हेडलाइट है, ये अनब्रेकेबल हेडलाइट है, ये फूटेगा नहीं। तो इसका ये गाड़ी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और इसकी पूरी जानकारी आप आके पटना ऑटोमोडा में ले सकते हैं, नीचे नंबर मैंने दे दिया, आप बात कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव की फैसिलिटी अवेलेबल है, और कनेक्टिविटी की पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आप उसके बारे में जो भी पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।